हेलो एंड वेलकम टू गॉर्जियस सा। उम्मीद है आप सभी मेरी गॉर्जियस व्यूअर ठीक होंगे और अपनी सेल्फ केयर कर रहे होंगे। गॉर्जियस क्यों, अगर मुझसे पूछे मैं ही क्यों ना हूँ या आप ही हो, हर लेडी गॉर्जियस है, चाहे उसका स्किन टोन कैसा भी हो, किसी भी एज में क्यों ना हो, हर एज में हर लेडी गॉर्जियस ही दिखती है। बस ज़रूरत है सिर्फ अपनी सेल्फ केयर करने की। तो आज बात करते हैं कि चेहरे पर ऐसा क्या लगाएं जिससे हमारे ब्लेमिशेस, हमारी पिगमेंटेशन, डल स्किन, एजिंग के जो हमारे साइन होते हैं, रिंकल्स, फाइन लाइन, वो हैं, वो सब हट जाएं और हमारा चेहरा बेदाग निखरा हुआ दिखे। जब बच्चा छोटा होता है या किसी का रंग डल होता है, आपने सुना ही होगा अपनी मम्मी से, अपनी दादी से, नानी से, दूध से नहाओ गोरे हो जाओगे। ऐसा कभी पॉसिबल होता है क्या? पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था, क्या खाली दूध लगाने से गोरे हो जाते हैं क्या? तो हम जब पीते हैं तो क्यों गोरे नहीं होते? लेकिन हाँ, जो चीज़ हम खा सकते हैं उसको हम अपनी स्किन पे यूज़ भी कर सकते हैं। दूध से हम अपनी स्किन टोन को बदल सकते हैं, दूध से हमारी जो डल स्किन है उसको हम ग्लो करा सकते हैं, दूध से अगर ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन, उसको हम कम कर सकते हैं। इससे पहले हम ये मैजिकल रेमेडी शुरू करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह ऐसी रेमेडीज़ लेकर आपके लिए आती रहूँगी जिससे आप घर बैठे अपनी स्किन की सारी प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। ना कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है, ना महंगे ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। और रेमेडीज़ को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं फेस पैक बनाने के लिए। खाली एक दूध जो हमारे घर घर में, हर घर में मिलता है, क्या इतना सब कुछ हमको दे सकता है? ऐसा क्या होता है दूध में? क्लींजिंग का काम करता है, वो हमारे जो पोर्स होते हैं उनको टाइट करता है, अनइवन स्किन टोन जो होती है उसको रिड्यूस करता है, प्लस जो बैक्टीरियाज हमारे स्किन पे एक्ने, पिंपल्स के लिए जो क्रिएट करते हैं उनको वो ख़त्म करता है, हमारे स्किन पे जो ब्लैक हेड, वाइट हेड हो जाते हैं उनको वो क्लीन करता है। अकेला दूध हमारी स्किन के लिए इतना सब कुछ करता है, और जो हमारे किचन में ही रहता है तो हम उसका यूज़ अपनी स्किन पे क्यों ना करें। तो अब हम जो एक फेस मास्क बनाने जा रहे हैं उसमें हमको सिर्फ ये चार चीज़ें चाहिए जो हमारे घर में, हर घर में अवेलेबल होती है, तो उससे हम ये मास्क बनाएंगे। आप इस मिल्क से बने हुए मास्क को जब यूज़ करेंगे आपको पहली ही यूज़ में फ़र्क लगने लगेगा, लेकिन इसका विजिबल रिजल्ट आने में कम से कम एक हफ्ता आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा, तभी कोई सामने वाला जब आपको देखे, आपको तो समझ आ जाएगा कि आपकी स्किन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, पर कोई सामने वाला आपको देखे और देख के बोले क्या बात है, आजकल क्या कर रहे हो, चेहरा इतना चमक रहा है, उसके लिए कम से कम आपको मिनिमम एक हफ्ता इसको रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इस मास्क को बनाना कैसे है। खाली बाउल ले लेते हैं और ये रहा दूध, ये आप चाहें तो रॉ मिल्क ले सकते हैं या फिर बॉयल किया हुआ मिल्क ले सकते हैं। अगर बॉयल किया हुआ मिल्क ले रहे हैं तो उसको फ्रिज में अच्छा से ठंडा कर लीजिएगा, तभी इसको यूज़ कीजिएगा। यहाँ मैं ले रही हूँ एक चम्मच दूध, बस एक चम्मच ही लेना है, इससे ज़्यादा दूध मत लीजिएगा, हमें इसकी एक कंसिस्टेंसी क्रिएट करनी है। ये हो गया एक चम्मच दूध। अब इसके साथ हमें मिलाना है एक चम्मच शहद। ये एक चम्मच दूध के साथ ये एक चम्मच शहद हम इसमें मिक्स करेंगे, इससे ये थोड़ा सा थिक है, जो शहद हमारी स्किन के लिए इतना बेनिफिट देता है। शहद जो है वो हमारी जो स्किन में एजिंग के साइन होते हैं उसको वो कम करता है, जो हमारे फाइन लाइंस हो जाती हैं, रिंकल्स हो जाते हैं, उनको वो कम करता है। हमारी स्किन को ग्लो देता है, टैनिंग को कम करता है, विटामिन और मिनरल्स का तो पूरा खजाना है इसमें। तो जब ये एक चीज़ हमारी स्किन के लिए इतना बेनिफिट देती है तो इसको हम यूज़ क्यों ना करें? यूज़ करना तो बनता ही है ना। तो ये दूध के साथ हमने हनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप इसका कलर देखिए, हल्का सा ब्राउनिश हो गया है और हल्का सा ये थिक हो गया है। अब जो ये मेरे पास कस्तूरी हल्दी है, अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी ना हो तो आप किचन की हल्दी यूज़ कर लीजिए, सिर्फ एक पिंच हमको वो हल्दी लेनी है, इतनी ही हल्दी आपके फेस के लिए बहुत है। हल्दी से क्या, हल्दी के बेनिफिट्स क्या होते हैं? हल्दी की अपनी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो भी हमारे स्किन पे जो पिंपल्स आ जाते हैं उनको कम करने में हमें मदद करती है, जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको ख़त्म कर देती है जिनकी वजह से पिंपल्स होते हैं, प्लस हमारी जो स्किन है उसको वो वाइटनिंग करने का काम करती है, हमारे स्किन टोन को चेंज करती है। हल्दी हमारे रिंकल्स को भी
कम करने में हेल्प करती है, हमारे रिंकल्स को भी कम करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ थोड़ी सी हल्दी, सिर्फ एक चुटकी, उसको इसमें मिक्स कर लेते हैं। ये हल्दी को इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। अब वो जो चौथी चीज़ हमको लेनी है वो है ऑयल। मैं ले रही हूँ यहाँ पे आलमंड ऑयल, ये देखिए बादाम का तेल है ये। अगर आपके पास विटामिन ई का कैप्सूल है तो आप उसको भी इसमें डाल सकते हैं। अगर विटामिन ई का कैप्सूल नहीं है और आलमंड ऑयल भी नहीं है तो आप इसमें कोकोनट ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप हमको इसमें और इस ऑयल को मिलाना है। विटामिन ई का आप पूरा कैप्सूल इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये विटामिन ई के इक्विवेलेंट ही होगा अगर आप कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल यूज़ करते हैं ये हमारी स्किन को। तो बस इसमें हम ऐड करेंगे अब 3 से 4 ड्रॉप आलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल या विटामिन ई का कैप्सूल, जो भी आपके पास हो वो आप इसमें मिला लीजिए। आलमंड ऑयल स्किन पे लगाना तो अच्छा होता ही है, कई लोग तो दूध के साथ भी इसे पीते हैं। जब वो दूध के साथ पीते हैं तो अंदर से हमारी बॉडी को जो बेनिफिट्स है वो देता है। हम अगर ऊपर से इसे लगाते हैं तो ये ऊपर से हमारी स्किन के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको वो कम करता है। तो बस इन चारों चीज़ों को मिला के हमने ये मास्क बना लिया है। आप देख रहे हैं थोड़ा सा पतला है लेकिन हाँ यही ये एक छोटी सी चीज़ ही है तो छोटी सी चीज़ पर छोटी सी चीज़ कमाल बहुत करती है। ये छोटी सी चीज़ जो हमारी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकती है, हमको फेयरर ग्लोइंग यंगर स्किन दे सकती है। तो चलिए अब इसका यूज़ करते हैं। ये बालों को मैंने टाई अप कर दिया है ताकि वो लगे ना ये मास्क। आप चाहें तो कोई ब्रश की हेल्प से इसको आप अपने फेस पे लगा सकते हैं, या मैंने एक छोटा सा कॉटन का टुकड़ा ले लिया है, इसको मैं इसमें डिप करूँगी और इस तरीके से अपने फेस पे लगाऊँगी। थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा होता है ये, आपको ज़्यादा दिखेगा नहीं ये स्किन पे, लेकिन हाँ ये अपना काम पूरा करेगा। अब इसको मास्क को लगाना कब है, आप इस मास्क को जब भी लगाएं, अगर आप मॉर्निंग में लगा रहे हैं तो आपको इस मास्क को लगाने के बाद किसी भी साबुन वगैरह से अपने मुंह को धोना नहीं है। इसलिए अगर जब आपको घर से बाहर ना जाना हो, दिन में तो सभी को घर से बाहर जाना होता है, शाम का टाइम ही होता है जब हम घर पे रहते हैं, तो आप इसे शाम के टाइम पे लगाइए। इनफैक्ट रात को सोने से पहले आप इसे लगा सकते हैं, आप इसे रात को सोने से पहले लगाइए और अपने चेहरे को खाली पानी से वॉश करके उसके बाद आप सो जाइए। गर्दन पे भी लगाइएगा, भूलिएगा नहीं। इसके बाद आपको किसी भी तरह के कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम की या किसी सीरम की या किसी और ऑयल को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे लगाइए मिनिमम 15 मिनट और मैक्सिमम 30 मिनट तक आप इसे अपने फेस पे रहने दीजिए। ये आपके पोर्स को डीप क्लीन करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, जो आपके एजिंग के इफ़ेक्ट्स हैं उनको कम करेगा। बस आप इसे अच्छे से लगा लीजिए। सर्कुलर मोशन आप देखिए, मैं इसे लगा रही हूँ, फेस का कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। इस तरीके से लगा के बस आप इसे सूखने दीजिए। ये अकेला एक सिंपल सा मास्क जिसका सब सामान हमारे घर में होता है, किसी भी फेशियल से बहुत बेटर है। अगर आपको किसी ऐसे फंक्शन में जाना है जहाँ का आपको पता है कि स्किन अच्छी नहीं लग रही है, डल लग रही है, कई एजिंग इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं, आप इसको कम से कम 1 वीक पहले यूज़ करना शुरू कर दीजिए। 1 हफ्ते में तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको इसका दिखेगा। और करना ही क्या है, सिर्फ 2 मिनट तो लगते हैं। आप अपने किचन में जाइए, सब सामानों को मिक्स कीजिए और उसको अपने फेस पे लगा लीजिए। मैंने अपने फेस पे लगाया है, आप देख रहे हैं कितना पहले से ही चमक रहा है, क्योंकि मैं पहले से ही यूज़ करती आ रही हूँ। और मैंने अभी आपके सामने इसको लगाया है क्योंकि मैंने अपनी स्किन पे कोई मेकअप नहीं लगा रखा है। मेकअप के साथ तो किसी भी ऐसे ट्रीटमेंट को लेना ही नहीं चाहिए, हमेशा चेहरा साफ होना चाहिए ऐसी चीज़ों को लगाने से पहले। बस इतना ही करना है। ये छोटी सा सामान हमारे किचन में आराम से मिल जाता है और हमारी स्किन को लाखों बेनिफिट्स देता है। तो वेट करते हैं 15 से 20 मिनट तक या आधा घंटा तक इसके सूखने का। ये सूख गया है तो अब चेहरे को धो के आती हूँ। बस
नॉर्मल पानी से धो के अपने चेहरे को पोंछ लीजिए। इसके बाद आपको कम से कम 5 से 6 घंटे कोई भी फेस वॉश या साबुन का यूज़ अपने फेस पर नहीं करना है। अगर आप इसे नाइट में यूज़ करते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा, आप इसे रात को सोने से पहले लगाइए और बस फेस वॉश करके सो जाइए। ना आपको किसी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है, ना किसी सीरम की ज़रूरत है, क्योंकि दूध ने आपकी स्किन को क्लींस कर दिया है, हनी ने आपकी स्किन को ग्लो दे दिया है, हल्दी ने जो उसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है वो आपकी स्किन पे दे दी है, उससे आपके जो पिंपल हैं, एक्ने हैं, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आलमंड ऑयल हो, विटामिन ई का कैप्सूल हो या फिर कोकोनट ऑयल हो, वो तो मिनरल विटामिन से ऐसे ही भरपूर है। तो बस इतनी सी छोटी सी चीज़ जो हमारे घर की किचन में ही है, उसे हम यूज़ करके अपनी स्किन की इतनी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं, तो क्यों हम उसे यूज़ ना करें। तो आप ये छोटी सी रेमेडी ज़रूर यूज़ कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा कि इसका आपको क्या इफ़ेक्ट हुआ। तो आपको अगर ये रेमेडी पसंद आए तो मेरी रेमेडी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी के साथ दूसरी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।